मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड जज, आपका हार्टली वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस चैनल पर मैं विभिन्न कानूनी मुद्दों को लेकर प्रतिदिन नए नए वीडियोस जो कि कानूनी विषयों से संबंधित हैं आपको अपलोड करके कुछ कानूनी ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं। आज का विषय भारत के संविधान में आर्टिकल 21 से संबंधित है, जो विषय काफी महत्वपूर्ण है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया को प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के तहत जब कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहा जाता है, जबकि लोगों के लिए वो कानून रीजनेबल है कि नहीं, जस्ट एंड फेयर है कि नहीं है, और उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जब इंटरप्रिटेशन या व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय करता है तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है। तो इन दोनों के बारे में ब्रिटेन का कंसेप्ट है इनका। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के घर पर पुलिस सुबह 4 बजे पहुंच गई तो वो व्यक्ति भी प्रभावित होगा, उसका परिवार भी प्रभावित होगा। लेकिन अगर वही पुलिस सुबह 10 बजे पहुंचती है और आकर कोई कार्यवाही करती है तो उससे उसका परिवार उतना प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि सोते समय 4 बजे सुबह पहुंचने से प्रभावित होता है। विधायिका का कार्य कानून को बनाना है। एके गोपालन के केस में 1950 का वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में एक कहा गया था कि नैरो सेंस में आर्टिकल 21 को लेने संबंधी बात कही गई, स्टेट को बॉडी पार्ट तक डैमेज कर सकती है। लॉ अफेक्टिंग लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून जो आर्टिकल 21 को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं छीन सकता है, उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा गया। तो एग्जीक्यूटिव कोई भी अथॉरिटी अगर ऐसा करती है तो उसके तहत आर्टिकल 21 के तहत इम्यूनिटी दी गई है। इसी तरह मेनका गांधी का एक मामला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस था। इसमें भी पासपोर्ट आदि के बारे में कहा गया, विधायिका ऐसा कानून नहीं बना सकती जो लोगों को प्रभावित करे। मतलब कुल मिलाकर कहना यह है, कोई भी कानून बनाकर विधायिका अगर नियम कायदे से अधिकारों को छीनती है तो वो चीज अलग है, लेकिन एग्जीक्यूटिव एक्शन इस पर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस लॉ एवं नेचुरल जस्टिस का कानून बनाते समय ध्यान रखने संबंधी कहा गया। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया कानून है। द लॉ इज मेड बाय वैलिड प्रोसीजर, जबकि ये ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन जुडिशरी के द्वारा इवॉल्व किया गया प्रोसीजर है। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की नजर जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद कानून बनाने का प्रोसीजर सही हो, कोई भी बिल जब वो इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, जब प्रेसिडेंट एसेंट देकर उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो कानून का रूप लेता है। तो पार्लियामेंट एक लॉ बनाने की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट की एसेंट, तो कोई भी जो लॉ बनाया जाता है वो जस्ट फेयर और रीजनेबल हो, पार्लियामेंट इसको बनाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो ये मैंने सरल शब्दों में आपको दो बातें बताई कि जब भी कभी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया के तहत कानून के तहत कोई भी कार्यवाही उसमें की जा सकती है, जबकि लोगों के लिए कोई भी कानून रीजनेबल है कि नहीं, जस्ट फेयर है कि नहीं, ये देखना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहलाता है। मैंने सरल भाषा में आपको ये दोनों का डिफरेंस बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को भेजें, परिचितों को भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।